past will stand with him, but he will not require MIM party's support. I am very much sure. देखिए प्रमोद साहब, ऐसा सिचुएशन नहीं उभरने वाला है। बीजेपी की जितनी स्ट्रेंथ थी ना पांच, वो कल आप देखेंगे 12 बजे तक वो कम हो जाएगी। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, के चंद्रशेखर राव कल गवर्नमेंट बनाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बनाएंगे, ना उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा शहर है, ये मेरा शहर है। मैं बताना चाह रहा हूं कि कितना पीसफुल हैदराबाद। जो लोग हमारे को भगाना चाह रहे थे, जो लोग हमारी गर्दन काटना चाह रहे थे, उनको बताना चाह रहे, देखो कितना अच्छा मौसम है हैदराबाद में। और ये मौसम गाड़ी और मोटरसाइकिल का मौसम है। Why not? I will again meet him tomorrow. I will definitely meet him. I have already stated my party's position that K. Chandrasekhar, we want our 8 candidates to win and we want KCR to become the chief minister of Telangana again. So we have met him. So please do not read too much into my meeting with him. Definitely we did not discuss whether it was I had to call on him, because the last I met him was before he took a decision to dissolve the assembly, and I've stated very clearly we are with KCR. What is wrong in that? सवाल यह है कि अगर वो टीआरएस आपको ऑफर करती है तो क्या सरकार में शामिल होगी एमआईएम? पहली बात तो ये है संजय तिवारी साहब कि ये स्थिति आने वाली नहीं है। दूसरा, हमको सरकार में जाने का कभी शौक नहीं है। हम लोग फकीर लोग हैं, हम आवाम की खिदमत करते आए, और हमारा मकसद एक ही है कि तेलंगाना में अमन बरकरार रहे, तेलंगाना जिस तरह तरक्की करता रहे। ये हमारे दो अहम मकासद हैं, इसमें तीसरी बात उठती नहीं। कौन? अरे वो छोड़िए, इनका कल उनके ही टाइटा होने वाली है। कल मैं आप लोगों की सहूलत के लिए हैदराबाद में दस्तियाब हूँ। अरे लोकल तेलुगु मीडिया यार, अरे लोकल तेलुगु मीडिया को ठहरो यार, लोकल तेलुगु मीडिया, दोनों तेलुगु मीडिया को ठहरो। 3 घंटे से अंदर बैठिए, क्या चर्चा की 3 घंटे? नहीं, अरे 3 घंटे का तो आपको वर्बटम नहीं बोल सकता हूँ, आपको वर्बटम नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, केसीआर साहब कॉन्फिडेंट है कि दोबारा तेलंगाना की आवाम उनको पावर में लाएगी, उनकी गवर्नमेंट बनेगी, और वो क्लियर है। अरे वाह, आप मेरे घर को मैं खिलाया तुम आपको। గవర్నర్ ని కలిశారు, సింగల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఉన్న మా అందరిని కలిసి ఒక సింగల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా చూడాలని చెప్పి కలిశారు సార్। ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి 2 దిన పహలే థియేటర్ మే బైట్ కే పిక్చర్ దేఖ్ రహే థే, उनको वही थिएटर में पिक्चर देखते बैठो बोलो, अब उनका बहुत पिक्चर मिस करे, वही पिक्चर देखो बोलो, ये तेलंगाना का पिक्चर खत्म हो गया उनका। हाँ, मैं मोटरसाइकिल, मैं मौसम, तेलंगाना का मौसम क्या है, गाड़ी और मोटरसाइकिल का है, वो होने वाला। I mean no demands, I have clearly said very clearly KCR will form a government on his own strength, inshallah. MIM, he will not even require MIM's party support, but we will definitely stand with him because we want Telangana to progress more, and we want to do some nation building. Is very important. Last question. मैडम, कैन आई रिटीरेट अगेन टू यू ऑल ऑफ यू,
that I am pretty much confident that the people of Telangana will once again bless KCR. He will form the next government tomorrow on his own strength. That scenario will never arise. I am pretty much sure. No, I cannot answer that question. It is for them to answer, because till 3 days ago I was C team. Till 3 days ago I was Modi's team. Till 3 days ago Congress leader said that we made MIM. Now it is for them to answer all these questions. When you talk in such when you stoop down to such a level, and then you talk, I don't know what to say. कल पतंग उड़ेगी आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अकबर साहब ने बड़ा फेमस लिया। अब अकबर साहब नहीं, असद साहब उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है आपके सामने बात कर रहे हैं। थैंक यू, सलाम अलैकुम।